देश विच वध रही पेट्रोल दीआं कीमतां लगातार आसमान छू रही ने। दूजे पासे गल कीती जावे ते हुण दुध देण वाले किसानां दे वल्लों ऐलान कीता गया है कि हुण उहनां दे वल्लों 100 रुपए प्रति लीटर दुध दिता जाएगा, जिसते आम लोगों ने दस्या कि पहला ही पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं। अगर दुध भी 100 रुपए प्रति लीटर हो गया तो आर्थिक मंदी भी आ सकती है। देखो अमृतसर तो मुकेश मेहरा की पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम दलजीत कौर है जी। जो दुध के रेट ज्यादा करने की गल की जा रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा 100 रुपए किलो दूध जेड़ा वो बेचेंगे, तो की लगता है कि फिर बजट किस तरह होगा जी? 100 रुपए किलो दूध बेचना बहुत ही गलत गल है, क्योंकि इस नाल जो आम इंसान जिन्हें रोज कमाना रोज खाना ओदे लिए रसोई च बजट अपना काम खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाना। पहला सिलेंडर 600 का आता सी, उस तो पहले 450 का आता सीगा, हुण जिहड़ा डबल रेट हो गया ना, इस करके जिहड़ी आम मतलब मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा पिस रही है। सब तो ज़्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली ते ही हो रहा है, ते बच्चे दुध कित्थों पीणगे जे इन्नी महंगाई हो जाएगी। तो किसान जिहड़ा अंदोलन कर रहे हैं, जिहड़ा अंदोलन दौरान कहा जा रहा 100 रुपए किलो, जे डीजल 100 रुपए हो सकदा ते दुध भी 100 रुपए मिल जाएगी, की सहमत जी इस गल? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि किचन दे विच खास तौर ते दुध बिना बिल्कुल ही नहीं सरदा। बच्चों ने बजुर्गों ने चाह पीनी सारियां ने ना, ते बहुत ज़्यादा गलत गल है। हाँ जी मेरा नाम सिमरजीत कौर है जी। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਲਾਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ? ਜਿਹਨੇ 100-150-200 ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਗਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। नहीं जी ना, असी बिल्कुल नहीं सहमत, बिल्कुल सहमत नहीं। कोई पी नहीं सकता, कोई बच्चे नूं कित्थों पिया लू कोई, जां कोई चाह कित्थों पीणगे बजुर्ग, है ना? जिहड़े चाह बिना रह नहीं सकदे, ओह कित्थों चाह पीणगे? उहनां वास्ते बहुत माड़ी गल है सरकार वास्ते।